नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com और मैं हूं आपके साथ कोमल अग्रवाल। हाथरस के सादावत में रालोद ने किसान आंदोलन को लेकर की प्रेस वार्ता। सादावत में मथुरा रोड पर रालोद ने किसान आंदोलन को लेकर की प्रेस वार्ता। भारत बंद में सहयोग देने का ऐलान। प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी ब्रज प्रदेश अध्यक्ष रालोद व प्रताप चौधरी पूर्व विधायक सादावत रहे मौजूद। लेकिन रणनीति नहीं, क्या मामला? राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार 8 तारीख को जो संपूर्ण भारत बंद हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल उसको पूरा समर्थन करेगा और राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी हमारे अनुयायी हैं सब लोग गांव स्तर से लेकर कस्बा और शहर तक रोड जाम करेंगे, बाजार बंद करवाएंगे और ऐसी जो काला कानून सरकार लेके आई है, जो 3 किसानों के लिए काले कानून लेके आई है, उसके विरुद्ध जब तक कानून वापस नहीं होगा जब तक हमारा समर्थन इस राष्ट्रीय लोकदल का भारत बंद के साथ में रहेगा और सभी किसान अनुयायी उस दिन जो है 8 तारीख को शांतिवाद शांति गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना भारत बंद का समर्थन करें। आंदोलन चल रहा है और भारत बंद को लेकर क्या प्रक्रिया है? ऐसा है कि पिछले 8 दिन से और पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी किसानों के बीच में गए थे और अब 8 तारीख को जो किसानों के संगठनों ने पूरे भारत बंद का जो आह्वान किया है, राष्ट्रीय लोकदल उस बंद का संपूर्ण समर्थन करता है और पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता 8 तारीख को गांधीवादी तरीके से जगह जगह पर, चाहे वो जहां उनको अपना मौका मिलेगा, तहसील पे, जिले पे, गांव में, नेशनल हाईवे पे, तो चक्का जाम करेंगे और गांधीवाद तरीके से अपना आंदोलन करेंगे और किसानों के इस आंदोलन में पूर्ण समर्थन राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। किसानों के कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर ये किया जा रहा है? तो सबसे बड़े मुद्दे तो जो 3 कानून इस भाजपा सरकार ने बनाए हैं, जिसमें APMC एक्ट है, दूसरा जो मुद्दा हमारा उसका है किसानों के अलावा APMC के जो 3 जो एक्ट हैं, एक MSP का, एक APMC का और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट ला दिए, ये जो 3 जो मुद्दे हैं उसका किसान विरोध कर रहा है, क्योंकि अगर ये लागू तो कर ही दिए इन्होंने, कानून बना दिया, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसमें किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा और जो छोटा छोटा जो किसान है वो पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। हाथरस एवं हाथरस के आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए डाउनलोड करें tv30india का एंड्रॉयड ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें tv30india ऐप। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।